तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बॉयलर का रोग तथा उनकी चिकित्सा के बारे में बताने वाले हैं कि और बॉयलर मुर्गी के बीमारी किस प्रकार से होते हैं। इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। और दोस्तों, इससे पहले हम बात करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आपको पोल्ट्री से जुड़ी किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो पोल्ट्रीक्सन भाई, चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बॉयलरों को भी कई प्रकार के रोग होते हैं, जिनमें से कुछ भयानक होते हैं, कुछ हानिकारक भी होते हैं, और इसमें कभी कभी बड़ी हानि उठानी पड़ती है। और इसमें उनकी वृद्धि की रुकावट आती है, और जैसे कि मांस उत्पादन में कमी आती है और मृत्यु भी हो जाती है। इससे बॉयलर पालक को काफ़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। और इनमें होने वाली बीमारी के बारे में जानना आवश्यक होता है। अस्वस्थ एवं रोगग्रस्त मुर्गी, मुर्गियों को स्वस्थ रहने पर हमेशा चंचल रहती है और दाना चुगने की व्यस्त दिखाई पड़ती है। स्वाभाविक मल मूत्र त्याग करती है। इनका औसत शारीरिक तापमान जो होता है लगभग 107 फ़ारेनहाइट का होता है। नाड़ी और मांस की गति जो होते हैं वो प्रति मिनट 120 या 160 तथा 15 या 48 होते हैं। इन चिन्हों में से किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर बॉयलरों को रोगग्रस्त समझना चाहिए और रोगों की पहचान, उसके कारण और लक्षण और रोगी निदान से किया जाता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए कि बॉयलर मुर्गी में किस प्रकार के रोगी आता है और किस तरह का मतलब बीमारी वगैरह बॉयलर मुर्गी में आता है। तो जब भी बॉयलर मुर्गी को, जैसे कि बॉयलर मुर्गी जो होता है, अगर आपका कोई भी मतलब बॉयलर मुर्गी का रोगी हो जाता है तो वो बहुत आसानी से आप इससे पकड़ सकते हैं और बहुत ही आसान तरीका से आप इसे देख के समझ सकते हैं कि यह बॉयलर मुर्गी में किसी प्रकार की बीमारी आ चुका है या किसी प्रकार का रोगी आ चुका है। क्योंकि जो बॉयलर मुर्गी में मतलब बीमारी नहीं होता है, बहुत स्वस्थ रहता है, वो बॉयलर मुर्गी बहुत ज़्यादा चंचल रहती है और वो हमेशा दाना चुगने में लगा हुआ रहता है, दाना चुगने में ही व्यस्त रहता है। तो जो चंचल मुर्गी होते हैं वो मुर्गी दिखाई मतलब पड़ जाता है कि यह मुर्गी में किसी प्रकार की बीमारी वगैरह नहीं है। और जिन मुर्गियों मतलब बीमार हो जाता है या मुर्गी बहुत आसानी तरह से पकड़ सकते हैं कि इन मुर्गियों में बीमारी हो चुका है। तो इस तरह से बॉयलर मुर्गी को मतलब बॉयलर का मतलब बीमारी हो जाने के बाद आप इस तरह से उपचार कर सकते हैं। तो पोल्ट्रीक्सन भाई, ये थी छोटी सी जानकारी कि बॉयलर रोग तथा उनकी चिकित्सा के बारे में। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो पोल्ट्रीक्सन भाई, चलिए मिलते हैं किसी और एक वीडियो में किसी और एक जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।